हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके टेट के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। पहला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई, जिसके ऑप्शन चार दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विलियम जेम्स, सेकंड है विलियम मैकडूगल एंड नेक्स्ट विलियम बोंड एंड लास्ट सर फ्रांसिस मॉल्ट। तो इसका सही आंसर है विलियम बोंड। विलियम बोंड ने अपनी मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित की थी और उसका ईयर था 1879। ये क्वेश्चन आपका दूसरी तरह ही पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में की, ईयर बताना है आपको 1879 और कहाँ पर, जर्मनी में। किसने की? विलियम बोंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थित ढंग से व्यवहार का अध्ययन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था? ऑप्शन ए पेवलोव, बी स्किनर, सी जेबी वॉटसन, डी थॉर्नडाइक। तो पहला ए देखते हैं, पेवलोव। पेवलोव की जैसे कि है सभी जानते हैं कि क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी है पेवलोव की। स्किनर ने थ्योरी दी है स्टिमुलस उद्दीपक अनुक्रिया, उपागम जो है वो उनका दिया हुआ है। अब थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक ने कनेक्शन थ्योरी, संबंधवाद थ्योरी जिसे कहते हैं, वो दी है। तो इसमें ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो है जे बी वॉटसन। वॉटसन ने व्यवहार का अध्ययन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक था। वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है। तो इसका भी जो आंसर है वो सही आंसर है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान ही हमें व्यवहार करना सिखाता है। मनोविज्ञान से ही सीखते हैं कि क्लास में किस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है और उनकी क्या बच्चों की क्या मनोवृत्तियाँ होती हैं, उनका क्या मनोशारीरिक स्तर होता है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता किससे लगाया जाता है? प्रश्नावली से, जीवन रत जिसे केस स्टडी भी कहा जाता है, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन से, या डी ऑप्शन है प्रयोग से। इसका सही आंसर है जीवन व्रत, केस स्टडी। केस स्टडी के द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यदि कोई समस्यात्मक बच्चा है, जैसे कोई बच्चा समाज विरोधी कार्य करता है या झगड़ालू है, मानसिक रोगी है, तो इसके कारण को जानना होता है कि उस बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम क्यों है। इसके लिए उसके जो प्रीवियस उसकी हिस्ट्री है उन कड़ियों को जोड़ना होता है और इसी के लिए उसके पेरेंट्स से बातचीत की जाती है, टीचर से, उसके संबंधियों से, पड़ोसियों से, सारी उससे उनके उस बच्चे के बारे में बातचीत की जाती है और इन डाटा को कलेक्ट किया जाता है और इस डाटा की सहायता से उन कारणों की खोज की जाती है जिसकी वजह से वो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर वो बच्चा कर रहा है। मतलब कहने का ये कि ये जो विधि है केस स्टडी, इससे इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी कारण को डायग्नोज करना, उस कारण को निकालना वो बच्चे के अंदर क्यों है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता जीवन व्रत के माध्यम से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे ने विकास का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये फ्राइड ने दिया है। अधिगम सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी बहुत सारी है हमारी, और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ये मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्याजे ने दिया है। इन्होंने इसमें चार स्टेज बताई थी, उन चार स्टेज में बच्चे का जो विकास है वो किस तरह से होता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीवन अत्यंत मनोहारी, आनंदपूर्ण एवं स्वप्निल किस अवस्था में लगने लगता है? ऑप्शन ए शैशव अवस्था,
ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर है किशोरावस्था। एडोलेसेंस ऐसी एज होती है इसमें जो बच्चा होता है वे आनंदपूर्ण जीवन जीता है, डे ड्रीमिंग करता है। हालांकि इस अवस्था को तनावपूर्ण अवस्था भी कहा गया है, जो कि इस चैनल हॉल ने कहा है। और इस अवस्था को कहा गया है कि इस अवस्था में बच्चा बहुत तनावपूर्ण रहता है, उसके मन में कुछ चलता रहता है, और इसी अवस्था में वो मनोहारी भी होता है, आनंदपूर्ण जीवन जीने लगता है और डे ड्रीमिंग भी करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी सामाजिक अनुभव, ऑप्शन डी क्रियाकलाप। अब भाषा का जो डेवलपमेंट पियाजे की सेकेंड स्टेज दी है उसमें होता है, परिपक्वता भी इसमें प्रभावित होती है और क्रियाकलाप भी प्रभावित होते हैं। तो इसका सही आंसर जो है कि कौन सा नहीं होता है, नहीं करेगा, सामाजिक अनुभव, सोशल एक्सपीरियंस, वो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोट्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है? ऑप्शन ए सामाजिक पहलू, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी जैविक, ऑप्शन डी भाषीय। तो इसका सही आंसर होगा जैविक। वाइगोट्स्की ने अपने सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा की। उन्होंने बालकों के विकास में सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और भाषा को महत्वपूर्ण माना था। मतलब वाइगोट्स्की जो है वो मानता है कि लैंग्वेज का मेजर, लैंग्वेज का और जो ये कल्चरल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, इनका मेजर रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट में। अर्थात इसका आंसर है सी जैविक। वाइगोट्स्की के सिद्धांत ने विकास के जो जैविक पहलू है उसकी उपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास है ऑप्शन ए मात्रात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी कुछ सीमा तक अमापनीय, मतलब इसको नहीं मापा जा सकता, या फिर डी ए और बी दोनों, ए और बी मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक। जैसे कि जानते हैं कि जो एक क्रमिक और संगत पैटर्न में होने वाला जो परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला को ही विकास कहा जाता है। अर्थात इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह के ही परिवर्तन शामिल होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी ए और बी मात्रात्मक और गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम हैं, कितने नियम हैं? 3, 4, 2 या 5? तो इसका सही आंसर है 3। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से हैं वो? एक अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ये तीनों नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया संबंधित है व्यवहार संबंधी विकार से, पठन विकार से, गणितीय विकार से या मानसिक विकार से? तो डिस्लेक्सिया का जो संबंध है वो है पठन विकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चों को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो शिक्षक क्या प्रयोग करेगा? आगमन विधि, बी है निगमन विधि, सी विश्लेषण विधि, डी कहानी कथन विधि। तो जब हमें बच्चों को कोई नियम सिखाना है, किसी सिद्धांत या थ्योरी के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो क्या करना है? आगमन विधि क्या होता है? आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल बताए जाते हैं, एग्जाम्पल टू रूल चला जाता है। पहले एग्जाम्पल बताएंगे और उसी तरह के एग्जाम्पल बच्चों से निकलवाएंगे और उसके बाद उनको वो सिद्धांत बताएंगे। निगमन विधि में क्या होता है? पहले रूल बताते हैं, सिद्धांत बताते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं या बच्चों से भी उसी तरह के फिर एग्जाम्पल्स निकलवाए जाते हैं। इसके बाद है विश्लेषण विधि,
कि जो भी हमारा सिद्धांत है उसको एनालिसिस करके पढ़ाना, कहानी कथन विधि, कहानी कहकर बताना। तो थ्योरी को किस तरह से कहानी कहकर बताया जाएगा, तो इसके जो चार ऑप्शन है, आगमन, सेकंड निगमन, विश्लेषण, कहानी कथन, तो इसका सही आंसर होगा कि हमें बच्चों को पहले एग्जाम्पल बताना है, उसके बाद रूल तक ले जाना है, जिससे कि बच्चे का सीखा गया ज्ञान स्थायी होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए, आगमन विधि। जब हमें बच्चों को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना है तो हमेशा टीचर को आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी? जो टीचर है उसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी छोटी कक्षाओं के लिए या प्राइमरी क्लासेस के लिए? ऑप्शन ए, पढ़ाने की उत्सुकता, कि वो पढ़ाने के लिए बहुत तत्पर है। नेक्स्ट, शिक्षण विधियों का ज्ञान, अच्छी से अच्छी टीचिंग, ये टीचिंग मेथड यूज करें क्लास में, या फिर सी, धैर्य व दृढ़ता, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, या डी, मानक भाषा का ज्ञान। तो इसका सही आंसर है कि जब हम छोटी कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो हमारे अंदर टीचर्स के अंदर धैर्य ज़्यादा होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बच्चे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इन सब का आंसर प्राप्त करना चाहते हैं। तो यदि टीचर के अंदर पेशेंस नहीं होगा तो वो उन बातों का कभी भी बच्चों को जवाब नहीं दे पाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें हमें एक क्वेश्चन 10 बार बताना पड़ता है, तो 10 बार टीचर तभी बता पाएगा जब उसके अंदर पेशेंस होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धैर्य व दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए शिक्षक क्या करेंगे? ऑप्शन ए, सहयोग भावना की कहानियां सुनाएंगे, या ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को उन एक साथ कार्य कराएंगे, मतलब बॉस ग्रुप बना देंगे और स्टूडेंट्स को काम दे देंगे। ऑप्शन सी, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर स्वयं कार्य करेंगे। ऑप्शन डी, सहयोग न करने वाले विद्यार्थियों को दंड देंगे। अब इसमें पहला ऑप्शन बताया कि सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे, और दूसरा विद्यार्थियों को एक साथ कार्य कराएंगे, थर्ड है अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर कार्य करेंगे, और डी है सहयोग न करने वाले विद्यार्थियों को दंड देंगे। कभी भी किसी भी हालत में स्टूडेंट को कभी भी पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। जो स्टूडेंट हैं वो देखकर ज़्यादा सीखते हैं, वो जब ये देखते हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं वो खुद एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, तो उनके अंदर ये भावना खुद डेवलप होती है, कोऑर्डिनेशन की भावना आती है, और इसका आंसर है अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की जा रही है, किस कारण से है? ऑप्शन ए, वंशानुक्रम, हेरिडिटी है, बी, एनवायरनमेंट, वातावरण, सी है बुद्धि का अंतर, डी है ए और बी दोनों, मतलब वंशानुक्रम तथा वातावरण। तो बच्चे में जो व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता होती है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का जोड़ होती है। तो इसका सही आंसर है डी, वंशानुक्रम तथा वातावरण। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए, कोठारी कमीशन, ऑप्शन बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की पॉलिसी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश की गई थी वो 1986 की पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी, अर्थात आंसर सी इसका सही आंसर है। इस पॉलिसी में ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात भी की गई थी, और साथ ही साथ इसमें जो खुला विश्वविद्यालय हैं उनको विस्तार देने की बात भी की गई थी इसी के अंदर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर ही, और प्रबंध और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करने की भी बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? ये क्वेश्चन बहुत बार इस तरह से आ जाता है कि किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। यदि किस अवस्था को पूछा जाएगा तो आपको बताना है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है,
और ये कहा है कोल व ब्रूस ने। इसके चार ऑप्शन है, क्रू एम क्रो, बी स्किनर, थर्ड है येट्स, फोर है डी है कोल व ब्रूस। तो इसका सही आंसर है कोल व ब्रूस। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया था। और संघर्ष तनावपूर्ण अवस्था किसको कहा गया है, वो कहा गया है किशोरावस्था को। तो ये लिटिल बिट डिफरेंस है इसमें, आपको ये ध्यान रखना है। अनोखा काल बाल्यावस्था है जो कि कोल व ब्रूस ने कहा है, और विषम परिस्थिति या तनावपूर्ण अवस्था ये कहा गया है किशोरावस्था के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के तीन प्रकार बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी किसने बताए हैं। व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए हैं, ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी है शेल्डन, ऑप्शन सी यंग, ऑप्शन डी क्रैशमैन। तो इसका जो सही आंसर है वो है यंग, ऑप्शन सी। इन्होंने तीन प्रकार बताए, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। जो बहिर्मुखी होते हैं, जो अपने बात बहुत आसानी से कह देते हैं, सबसे घुल मिल जाते हैं और उनकी एडजस्टिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, जैसे कि ये नेता होते हैं वो बहिर्मुखी, उनका व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। अंतर्मुखी कोई राइटर है, कवि है, ये अंतर्मुखी होते हैं। उभयमुखी, उभयमुखी वो होते हैं जिनमें बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों की करेक्टरिस्टिक शामिल होती हैं, वो होते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व वाले। तो ये जो क्लासिफिकेशन था पर्सनैलिटी का, ये यंग ने किया है, तो इसका सही आंसर है यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। हार्डलॉक, ऑप्शन बी सोरेनसन, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन फोर क्रो एंड क्रो। दो बच्चों में कभी भी समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। इसका सही आंसर है फर्स्ट हार्डलॉक। हार्डलॉक ने यह कहा था कि दो जो बच्चे होते हैं उन दोनों में मानसिक योग्यताएं समान नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति तथा पर्यावरण की मांगों के बीच टकरावों को कम किया जा सकता है वो कहलाती हैं। ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी पूर्ण समायोजन, ऑप्शन सी सामाजिक थेरेपी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समायोजन। एडजस्टमेंट से ही हम कोई भी टकराव होता है किसी भी तरह का, उस टकराव को कम कर सकते हैं। तो व्यक्ति और पर्यावरण की मांगों के बीच टकरावों को कम किया जा सकता है समायोजन के द्वारा। धन्यवाद। यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हों तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दीजिए। यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं, हम आपके सजेशन को भी ध्यान में रखकर अगली वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।